अस्सलामुअलैकुम हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज के व्लॉग में मैंने आपको जो दिखाया था बिफोर, अभी आफ्टर आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस वन सेकेंड। इधर धूप बहुत होती है दुबई में, तो क्लियर नहीं नज़र आएगा। अब ठीक है, ये वाइपर्स, इनकी हालत कितनी बुरी हुई है, ख़त्म हो गए बिल्कुल, एज यू कैन सी। सो ये दोनों चेंज करते हैं, और इनकी बात कर रहा था, इनका कलर बहुत वेट लग रहा है, इनको रिमूव करता हूँ, फिर इनको ब्लैक करके वापस लगाऊंगा। सो लेट्स डू इट। तो गाइस, आप ये इजीली रिमूव कर सकते हैं लाइक दिस, एंड दिस वन हैज बीन रिमूव्ड इजीली, एंड देन द अदर वन इज दिस, दिस वन आल्सो कैन रिमूव इजीली। दिस वन इज लिटिल बिट हार्ड, yeah this one also removed easily। ये दोनों ख़त्म हो गए, और इनका भी, इसका भी पेंट बुरा लग रहा है, इसको भी बाद में रख के हल्का पेंट मार दूँगा ताकि इसकी लुक प्यारी लगे, अभी तो अजीब लग रहा है। सो इन दोनों को अभी मैं इनको खोल दूँ, फिर ब्लैक करेंगे। सो इसके बाद न्यू ले आया था, इधर रखे हुए मैंने, ये पड़े हुए इसके लिए। इसके न्यू वाइपर्स है, ये उधर लगाएंगे। I'm walking alone, the streets are empty, the only thing I can see is my own silhouette. एंड गाइस, दिस इज आफ्टर, अभी बहुत धूप है तो इसलिए क्लियर नहीं नज़र आ रहा। दिस इज़ आफ्टर, ये मैंने ब्लैक कर दिए हैं दोनों साइड के, और न्यू वाइपर्स भी लग गए हैं, और ये भी मैंने दोनों ब्लैक कर दिए, जो आगे बहुत डिफरेंट लग रही थी, ये दोनों ब्लैक हो गए हैं, और अभी कुछ ऐसे लग रही है। अभी अगर और देखना है तो ये जो ग्रिल है, ये मैंने चेंज नहीं की, ऐसे ही लगाई हुई है, ये भी ग्रिल इसके साथ ही आई थी, मुझे चाहिए सिंपल वाली, वो मैं आपको, वो जब आएगी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने ऐसे लगाई हुई एक स्टोक वाली भी पड़ी हुई, जो होंडा लोगों के साथ है, वो भी इधर पड़ी हुई है, और एक ये है, और बाकी लाइट्स भी कर ली थी, और आगे अभी इसके, इसका इधर का एक ये लाइट नहीं है, ये भी लाने वाली है अभी, और आगे देखा जाए तो बाकी कार की हालत परफेक्ट है। ये जो इधर उधर ये लगे हुए, इनको रिमूव करना है, और बैक से परफेक्ट है, बैक से भी ये रिमूव करूँगा मैं, ये लोगो भी रिमूव करूँगा, ये से भी रिमूव, ये भी रिमूव करूँगा, और ये भी आई थिंक रिमूव करूँगा, और फिर देखूँगा कुछ लगाना हो। सो यही बाहर से, यही जो इधर गैप है, वो गैप भी कवर करना है, ये भी आई थिंक रिमूव करूँ, मे बी नॉट श्योर। और जैसे ये भी निशान, ये मिटाने हैं। सो ये सब है, इधर का लगा हुआ, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, मुझे ब्लैक पसंद है, दोनों साइड पे मैं ब्लैक लगाऊंगा। सो द लाइट्स आर स्टिल लुकिंग गुड, पहले ज़्यादा येलो थी, लेकिन ये ग्रिल जो है ना, ये सिंपल वाली ग्रिल नहीं है, ये नॉर्मली इतनी अच्छी भी नहीं लग रही, लेकिन होंडा के लोगों से थोड़ी अच्छी लग रही है। सो यही था, अभी मैं आपको दिखाई, मैंने अभी दिखाया मैंने ये कितना अभी ठीक लग रहा है, ये वाइपर्स चेंज किए, और अभी मैं इसको कार को उधर ले जाऊंगा गराज, और इसकी पूरी मैं स्कैनिंग कराऊंगा, बिकॉज मैंने अभी जब परचेज की थी, मैंने इसकी स्कैनिंग कराई, अभी पूरी स्कैनिंग कराऊँगा। अंदर से नीट एंड क्लीन हो गई है, अंदर भी अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव करने वाली हैं, वो साथ साथ करते रहेंगे। ये मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, इसके ओपन करके अंदर लिया। सही,
ये इसके अंदर से इंजन से हालत है, इंजन की इम्प्रूवमेंट करेंगे, लेकिन पहले मैं बाढ़ से करूँगा, पहले बाढ़ से सारी इम्प्रूवमेंट करके बाद में इंजन से, इंजन को भी सेट करेंगे। ये बिफोर है इसके। एंड गाइस ये था, और अभी फिर मैं इसको उधर गैराज में दूंगा, फिर वो नेक्स्ट डे मुझे रिपोर्ट देंगे इसकी सारी स्कैनिंग की। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।